अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कच्ची इमली के अचार की रेसिपी शेयर करूंगी। पहले हमको कच्ची इमली के बीन्स निकाल के उसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। ऐसे निकालना है उसके बीन्स। अब हम अचार का मसाला तैयार कर लेंगे और उसके लिए हमको चाहिए कलौंजी, धनिया, राई, मेथी, जीरा। अब एक पैन में हम इसको अच्छा रोस्ट कर लेंगे जब तक कि इसमें से अच्छा अरोमा ना आ जाए। अब हम इसको पीस कर इसका पाउडर बना लेंगे। ये देखिए हम पाउडर बना लिए। अब एक पैन में थोड़ा ऑयल डालेंगे, करी लीव्स डालेंगे, कच्ची इमली डालेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम अदरक के पीसेस और लाल सूखी मिर्च को भी हल्का सा फ्राई करके निकाल लेंगे। अब एक जार में ये सब डालेंगे। एक से डेढ़ चम्मच अचार पाउडर डाल देंगे इसमें। वन टीस्पून नमक डालेंगे, वन टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। थिक पेस्ट बनाना है इसका। अब हम इसको बघार लेंगे, ऑयल डालेंगे, लहसुन डालेंगे, वन टीस्पून राई डालेंगे, वन टीस्पून जीरा डालेंगे। अब ये अचार रेडी हो गया है।
एक एयर टाइट कंटेनर में हम इसको 2-3 वीक्स के लिए स्टोर करके रख सकते हैं।